अच्छा जी, कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपने बोनसाई से रिलेटेड मैंने स्टोरी लगाई थी, जिसका रिस्पांस बड़ा अच्छा आया है। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। किस तरह से बिगनर लेवल पर हम बोनसाई की हॉबी को स्टार्ट कर सकते हैं, और कौन से बेसिक और सिंपल स्टेप्स हैं जिसको आपने, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट फॉलो करना है और अपनी इस स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमने यही जो है वो देखना है। अच्छा जी, तो बोनसाई होता क्या है, जिनको नहीं मालूम तो उनको बताते चलें कि ये एक बेसिकली जापनीज़ आर्ट हॉबी है। बोनसाई का मतलब यही है कि ग्रोइंग इन अ कंटेनर, मतलब ये आप मिनिएचर ट्रीज़ को जो है वो छोटे सिंपल पॉट्स के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं, और इनका शेप जो है वो एक मैच्योर ट्री की तरह जो है वो हमें इसका बनाना होता है। अच्छा जी, बोनसाई के लिए अगर बिगनर लेवल पर काम कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो प्लांट है वो जेड प्लांट है। ये जेड प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस प्लांट होता है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो केयर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बहुत ही सिंपल तरीके से जो है वो हम इस पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको हम जो है वो बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ दो या तीन स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूँ, जिनको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो आपके इस स्किल में मज़ीद से मज़ीद जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप आ गए हैं हम नर्सरी। नर्सरी में आपने क्या करना है कि आपने एक ऐसा प्लांट जो है वो सर्च करना है और अपनी नज़रों में रखना है कि जिसका स्टेम जो है वो काफ़ी मोटा होना चाहिए, या फिर उसका एक शेप जो है वो बोनसाई ऐसा बना हुआ हो। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें, जेड प्लांट जो है वो मैं अक्सर जो है वो ढूंढता हूँ कि इस तरह का मुझे कोई मिल जाए तो मैं उसकी शेप जो है वो कन्वर्ट करूँ बोनसाई के अंदर। देखें यहाँ पर इसका स्टेम जो है वो कितना, ट्रंक जो है वो बेहतरीन इसका मोटा थिक है। और ये ज़्यादा प्लांट महंगे नहीं होते, 150 to 200 की रेंज के अंदर ये प्लांट मुझे मिल गया था। तो आप भी इसी तरह के प्लांट की सर्च करें, और ज़रूरी नहीं है पहली दफ़ा में ही आपको मिल जाए। अभी जैसे रिसेंटली मैंने नर्सरी विजिट किया तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो जेड का स्टॉक आया हुआ था, और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या ज़बरदस्त इसके जो है वो नीचे से ट्रंक इतने मोटे थिक जो है वो इसके यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा सेकेंड स्टेप है, जब आप अपना एक पर्टिकुलर प्लांट सेलेक्ट कर लें, जिस तरह से मैंने ये जेड प्लांट सेलेक्ट कर लिया है, अब जो सबसे मुश्किल काम है वो हमारे लिए होता है प्रूनिंग का। हम प्लांट्स को प्रूनिंग करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट बोनसाई के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट काम ही प्रूनिंग का है। तो आपने डरना नहीं है, परेशान नहीं होना, और आपने इस प्लांट को कन्वर्ट कर देना है किसके अंदर, प्रूनिंग करके बोनसाई को आपने जो है वो फॉलो करते हुए शेप देना है इसको। और इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो ट्रंक यहाँ पर मौजूद है। तो प्रूनिंग से आप अगर डरेंगे तो बोनसाई आप नहीं बना सकते, आपने बोनसाई बनाना ही प्रूनिंग कर करके है। तो आपने इसकी कटिंग या प्रूनिंग को जो है वो करते हुए बिल्कुल भी नहीं घबराना, परेशान होना, क्योंकि यही आपके एक परफेक्ट बोनसाई के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक स्टेप है। तो हमने यहाँ पर देखना है कि जो छोटी स्टेम्स हैं, जो छोटी ब्रांचेस हैं, उनको हमने पहले चॉप कर देना है, ताकि जो मोटी और थिक ब्रांचेस हैं, जिस तरह से अगर आप यहाँ पर देख सकें तो ये हमारे सामने आने चाहिए, और दैन फिर हम इसका अपना एक पर्टिकुलर शेप जो अपने माइंड में बनाएंगे और उसको फिर हम फॉलो कर सकते हैं। तो पहले तो ये जो इसका ट्रंक है इसको हमने क्लियर करना है, और पहले अपने माइंड में इसको देखते हुए थोड़ा सा शेप जो है वो बना लेना है कि किस तरह का शेप मैं इसका जो है वो बना सकता हूँ। कुछ आप अगर नेट पर सर्च करते होंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट जो है वो डिज़ाइन देखने को मिलते होंगे, बट आपने जब ये काम स्टार्ट करना है तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने अपने माइंड की जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चलना है, जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जितना आप सोचेंगे कभी भी आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे और उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो मैं ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इस तरह से इसको हम ऐसे, ये क्योंकि बिल्कुल कैस्केड स्टाइल में नीचे लेटा पड़ा है, तो ये इसका आप देखें, ये इसका जो है वो थिक सा ट्रंक हमें सामने से देखने को मिल रहा है, और कुछ जो है वो यहाँ पर सामने से हम चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं पहले, ताकि ये जो ट्रंक है हमारा, यहाँ से ये छोटी ब्रांचेस को हम प्रूनिंग करते रहेंगे इनकी, ताकि ये हमें ट्रंक जो है वो साफ और क्लियर देखने को मिले। अच्छा जी, तो ये यहाँ पर ये बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो हैं इनको आपने इस तरह से चॉप कर देना है, इनको अभी हमने आगे नहीं लेकर चलना, यहाँ से इसको हम इस तरह से चॉप कर देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो हैं वो हमें नहीं चाहिए अभी।
शुरू में अगर आपका प्लांट बिल्कुल गंजा हो जाता है तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोबारा ग्रो करेगा इंशाल्लाह। एंड देन फिर आप उसको अपने मुताबिक जो भी आप उसको स्टाइल देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनको मैं इस तरह से ज़रा चॉप कर लेता हूँ। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा परेशान रहेंगे। ये देखें जी, सिंपल सा काम किया है हमने, इसको बिल्कुल चॉप कर दिया है और नीचे से जो है वो ये ट्रंक पूरा हमारा क्लियर हुआ है। तो अब आपने इसको देखना है फ्रंट से कि किस तरह से इसकी आपने शेप करना है, इसको शेप बनाना है। एंड बाद में इसको मज़ीद आप स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने प्लांट सेलेक्ट कर लिया है स्टेप वन में, स्टेप टू में उसकी प्रूनिंग कर ली है, स्टेप थ्री क्या है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है बोनसाई के अंदर, और वो है पेशेंस। आपने इंतज़ार करना है उसके अगेन ग्रो होने का ताकि उसमें से मज़ीद मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी एंड देन फिर आप उसकी दोबारा से रीशेपिंग करेंगे। जैसे अभी अगर आप यहाँ पर देखें, ये कुछ सारे प्लांट्स मैंने जो है वो इनकी प्रूनिंग करके रख दी है और अब इनमें से न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। तो अब इनके पानी का, इनकी प्रॉपर लाइटिंग का और इनके प्रॉपर फर्टिलाइज़र का आपने ख्याल रखना है ताकि इनमें से मज़ीद जो है वो ग्रोथ होती रहेगी, नई ब्रांचेस बनती जाएंगी और इनको मज़ीद आप फिर अपने शेप के मुताबिक इनको जो है वो आप इसकी प्रूनिंग करके एंड देन फिर वायरिंग और फिर रिपोर्टिंग आप वो जो है वो काम कर सकते हैं। दूसरी बात ये समझने की है कि आपने प्रूनिंग के बाद डायरेक्ट उस प्लांट को डायरेक्टली बोनसाई पॉट के अंदर, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब कहने का ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने बोनसाई पॉट के अंदर शिफ्ट करना ही है। आप उसको किसी भी प्लास्टिक या जिस पॉट के अंदर वो मौजूद है, लगा हुआ है, आप उसी के अंदर उसको रीग्रो करें, उसमें से मज़ीद मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी, आप उसका शेप बनाते रहें। जब आप समझें कि आपके पास उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए एक प्रॉपर और अच्छा बोनसाई पॉट अवेलेबल है और अब वो इस काबिल हो चुका है कि उसे रिपोर्ट करना चाहिए, तो फिर आप उसे रिपोर्ट करें। अदरवाइज़ आप अपने उस पर्टिकुलर पॉट के अंदर ही उसे इजीली जो है वो ग्रो कर सकते हैं और इसका शेप बनाते रहिएगा और इसके अंदर भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये बिगनर लेवल का जो मैंने बोनसाई का कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप इसको ट्राई करेंगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्लांट्स को लेकर उनको शेप बनाएंगे उनका, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको शेप उनके जो बनाने का आइडिया होगा, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर क्या काम ठीक हो रहा है। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे ख़ुद से, तब तक आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इससे बोनसाई से रिलेटेड मुझे मज़ीद वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इसकी मज़ीद सीरीज़ और आगे मज़ीद वायरिंग वगैरह और बोनसाई से रिलेटेड और वीडियोस बनानी चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।